राजस्थान के कवाई कस्बे में हिंदू धार्मिक सेवा समिति कस्बे के गौवंश के लिए 24 घंटे तत्परता दिखाते हुए कर रहे गौ माता की सेवा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे में लहासी नदी के पास और 4 दिन पहले रेलवे लाइन पर एक गौवंश ट्रेन से टकराकर नदी किनारे जा गिरी, जो घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। रेलवे में कार्यरत कर्मचारी ने गौवंश को घायल अवस्था में देखा तो उसने गौ माता की देखरेख की। गुरुवार को अपने मित्र फौरकेश मीणा को इसकी जानकारी दी। फौरकेश मीणा ने गुरुवार रात को हिंदू धार्मिक सेवा समिति के नाम से ग्रुप बना हुआ है, लहासी नदी के पास एक गौवंश घायल होने की सूचना डाली। हिंदू धार्मिक सेवा समिति के सदस्य विष्णु चक्रधारी भैया ने बताया कि ग्रुप में मिली सूचना के अनुसार शुक्रवार सुबह पूरी टीम ने लहासी नदी पर पहुंचकर देखा तो गौवंश अत्यधिक घायल अवस्था में मिली, जिसके पैर में अत्यधिक घाव होने के कारण वह चल फिर नहीं पा रही थी। समिति के सदस्य ने गौवंश का रेस्क्यू कर पशु चिकित्सक रघुनाथ मेघवाल की सहायता से उपचार कर ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा गौवंश को श्री कृष्ण गौशाला पहुंचाया गया, जहां समिति की देखरेख में उसका इलाज किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।